और अगली बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि जेपीसी की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ, बीजेपी मेंबर्स और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस की खबर है। बीजेपी मेंबर्स ने बैठक में यह कहा कि वक्फ का कुरान में कोई जिक्र ही नहीं है, इसीलिए वो गैर इस्लामिक संस्था है। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने एएसआई के प्रेजेंटेशन पर भी सवाल उठा दिए। दरअसल एएसआई ने ऐसी 50 संपत्तियों की लिस्ट दी जिसे पुरातत्व विभाग की संपत्ति बताया गया। इसके साथ ही कहा गया कि इस पर अतिक्रमण की वजह से विवाद है, जिस पर संजय सिंह, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और कल्याण बैनर्जी ने कहा कि एएसआई ये कैसे कह सकता है कि वक्फ किसी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है। इसके अलावा एएसआई ने 120 से ज्यादा स्मारकों की भी लिस्ट दी जिस पर कई राज्यों में वक्फ बोर्ड दावा करते हैं। विपक्षी सांसदों ने इसका भी विरोध किया और बीजेपी मेंबर्स और विपक्षी सदस्यों से उनकी तीखी बहस हुई है। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि पर समिति को गुमराह वे कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर तमाम जानकारियां दे रहे हैं।